हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले आहन बनाक थ्योरम, वो भी किस पे? नॉन लीनियर स्पेस के लिए। तो जो नॉन लीनियर स्पेस है, इसके लिए सबसे पहले आपको नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ नॉन लीनियर स्पेस के ऊपर, उसकी वीडियो में उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप सबसे पहले यदि नए आए हो इस चैनल पे, तो प्लीज ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉर लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नॉन लीनियर स्पेस है, इसके लिए चार कंडीशन फॉलो होती है। तो नॉन लीनियर में हम बताते हैं एक्स के अकॉर्डिंग नॉन लीनियर स्पेस की कंडीशन। तो जो हमारी थ्योरम है वो आहन बनाक थ्योरम, वो बेस्ड है किस पर? नॉन लीनियर स्पेस पर। तो यदि वो नॉन लीनियर स्पेस के लिए कंडीशन चारों के अकॉर्डिंग फिल होंगी, तो क्या कहलाएंगी? आहन बनाक थ्योरम के अकॉर्डिंगली नॉन लीनियर स्पेस कहलाएंगी। तो हम स्टेटमेंट फर्स्ट रीड करेंगे प्रॉपरली, हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, क्लियरिफिकेशन किस प्रकार होगा थ्योरम का, फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे उसका प्रूफ स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्टेटमेंट। लेट एम बी अ लीनियर सब स्पेस। हमको एम क्या दिया है? एक लीनियर सब स्पेस दिया है ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एन का। यानी कि एन का जो होगा हमारे लिए, एन क्या हो गया यहाँ पे? एक नॉन लीनियर। एन को हम हमेशा जो है नॉन लीनियर स्पेस के अकॉर्डिंग शो करते हैं, क्योंकि जब हम नॉन लीनियर स्पेस की क्लियर करते हैं चारों कंडीशन, तो हम उसको एन वन एन टू इस टाइप से देते हैं, एन थ्री एन फोर, मतलब ये चार कंडीशन हमारी नॉन लीनियर की। तो जो हम कैपिटल एन दे रहे हैं, ये सेट्स जो इसी में आएंगे, ये क्या है? कैपिटल एन हमारे लिए नॉन लीनियर स्पेस है। और यहाँ पर एम क्या है? एम एक लीनियर सब स्पेस है, किसका? वो भी नॉन लीनियर स्पेस का। यानी कि एन जो है हमारे लिए लीनियर स्पेस हो गया और एम क्या हो गया? उसका लीनियर सब स्पेस। बस यहाँ पे हमारी इतनी चीज क्लियर हो गई कि एम को हम लीनियर सब स्पेस लेंगे और एन को लेंगे, एम होगा लीनियर सब स्पेस और एन होगा लीनियर स्पेस। तो सब स्पेस और स्पेस यहाँ पे हमने क्लियर किया। एंड लेट एफ बी अ फंक्शनल डिफाइंड ऑन एम। एफ क्या दिया हमको? हमको एफ दिया गया है एक फंक्शनल, वो भी किस पे डिफाइंड? एम पे। मतलब कोई फंक्शन एफ होगा जो किस पे डिफाइंड होगा? एम पे। तो इसी प्रकार हम इसको एफ ऑफ एम फंक्शन दे सकते हैं। देन तब क्या कंडीशन हमको यहां से प्रूव करने वाली कंडीशन हमारे स्टार्ट होगी। जब भी हम किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट रीड करते हैं, तो गिवन कंडीशन कहां तक होती है? देन के पहले वाली सारी कंडीशन गिवन कंडीशन कहलाती है, और देन के बाद में जो सारी कंडीशन दी जाती है वो कहलाती है हमारे लिए प्रूफ की। तो मींस दैट ये हो गया कि जहां से देन के अकॉर्डिंगली स्टार्ट होगा, वो कंडीशंस क्या कहलाएंगी? वो कंडीशन सारी कहलाएंगी एफ के लिए हमारे लिए प्रूफेबल कंडीशन कहलाएंगी। तो हमारा प्रूफ यहीं से स्टार्ट होगा कि एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू अ फंक्शनल एफ जीरो, वेयर एफ जीरो इज अ फंक्शनल। मतलब फंक्शनल एक फंक्शन है एफ के लिए एफ जीरो। तो जो किस प्रकार एक्सटेंड हो रहा है एफ, मतलब एक्सटेंड हो रहा है एफ टेंस हो रहा है एफ जीरो पे। तो ये किस प्रकार डिफाइन होगा, उसको हम इस प्रकार देखेंगे। तो जो स्पेस डिफाइन हो रहा है ऑन द होल स्पेस एन, तो जो होल स्पेस एन है और एन हमारे लिए नॉन स्पेस है, एन यदि नॉन लीनियर स्पेस है, तो इसी का एक सब स्पेस हमने एम लिया है, ये कैपिटल एन हो गया और ये एम इसका सब स्पेस हो गया। तो जो एफ है वो टेंस हो रहा है हमारा एफ जीरो पर। तो यदि वो टेंस हो रहा है एफ जीरो पर, तो उसको होल स्पेस एन में हम इस प्रकार प्रूव करेंगे। तो जो नॉर्म ऑफ एफ जीरो किसके इक्वल होगा? नॉर्म ऑफ एफ के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमारी सच दैट के अकॉर्डिंग होगी, बट हमको प्रूव क्या करना है कि एफ क्या होना चाहिए? एक्सटेंडेड होना चाहिए एफ जीरो पर। तो ये कंडीशन हमको प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ एफ जीरो किसके है? नॉर्म ऑफ एफ के। तो ये हो गया हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी गिवन कंडीशन है, गिवन एम इज अ लीनियर सब स्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एन। एम हमको जो लीनियर सब स्पेस दिया है, वो भी किसके अंदर? लीनियर स्पेस एन के अंदर। एन हमेशा हमारे लिए लीनियर स्पेस रहेगा और एम जो हमारे लिए हमेशा लीनियर सब स्पेस रहेगा। और एफ हमको क्या दिया? एक फंक्शनल दिया है, जो किस पर डिफाइंड हो रहा है? एम पे। मतलब सारी कंडीशंस के लिए फंक्शनल एम है, वो इसी के अंदर फंक्शन हम जो एम के लिए अंदर डिफाइन करेंगे। तो जो हमारे स्टार्ट होगा प्रूफ, मेन प्रूफ तो हमने गिवन दैट लिखा है, अब जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे। तो जो कंडीशन में प्रूफ करना इस प्रकार है, टू प्रूव दैट। अब ये सारी जो कंडीशन लिखी है हमने, ये सारी देन के बाद की लिखी है, तो देन के बाद की सारी कंडीशन प्रूफ में आ गई। तो यही प्रूफ करना है कि f can be extended to a functional f defined on the whole space n. Whole space n पे define हो रहा है, तो such that ये condition accordingly होंगी कि norm of f0 किसके equal होगा? Norm of f के। ये condition होगी हमारी equally। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो theorem है इसको extended करते हैं। तो इसके लिए सबसे first हम क्या करेंगे कि f extended हो रहा है f0 पे, मतलब ये condition require होंगी। उसके बाद हम जो extend वाली condition है उसको भी define कर लेंगे कि functional पे किस प्रकार होता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि हमें ऑर्डर में प्रूव करना है, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम, हम ऑर्डर में इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, तो फर्स्टली वी प्रूव दैट एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू अ फंक्शनल एफ जीरो।
हम चाहे तो फर्स्ट ये प्रूव करेंगे कि नॉर्म ऑफ एफ जीरो किसके इक्वल है नॉर्म ऑफ एफ के, तो हम ये अकॉर्डिंग ये कंडीशन कर लेते हैं फर्स्ट, और उसके बाद क्या करते हैं हम एक्सटेंडेड कर लेते हैं एफ पे। मीन्स यही है, यदि हम एफ और एफ जीरो को एक दूसरे पर टेंस से बता रहे हैं तो उसी प्रकार आना चाहिए इक्वली। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम जानते हैं नाउ सिंस एफ इज द फंक्शनल डिफाइंड ऑफ एफ, जो हमने सपोज किया कि यदि एम उसका क्या है लीनियर सब स्पेस है हमेशा, और एन क्या है उसका लीनियर स्पेस, तो एन लीनियर स्पेस है एम सब स्पेस है और उसी के अंदर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो किस प्रकार होंगे वो। तो यहीं से हमने एफ फंक्शनल लिया है डिफाइंड किसका, एम का। तो अब यहाँ से हम कंडीशन अकॉर्डिंगली बनाएंगे किसके लिए, फंक्शन को डिफाइन करेंगे एक्स के अकॉर्डिंग। तो देयर फोर की कंडीशन हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली पुट करेंगे। अब जो देयर फोर की कंडीशन होंगी उसके लिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली हम सपोज कर लेते हैं कि एम के अंदर ही कोई एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं देयर फोर की कंडीशन अकॉर्डिंगली पुट ऑन करते हैं। तो जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की कंडीशन बनेगी तो इस प्रकार बनेगी कि यदि फंक्शन एफ को अलग सपोर्ट करे और उसके सारे एलिमेंट्स को अलग है अलग सेपरेटिंग करे तो किस प्रकार होंगे, यानी कि एक्स को हमको डिफाइन करना है डिफरेंट और एफ को डिफाइन करना है डिफरेंट यानी कि सेपरेटली। तो हम करते हैं यदि सेपरेटली तो लेस देन आर इक्वल हो गया, आप फंक्शन एफ को डिफरेंट करते हैं और सेपरेट, और नॉर्म ऑफ एक्स को सेपरेट, तो दोनों नॉर्म में सेपरेट हो गए, बट एक्स कहाँ से अकॉर्डिंगली पुट करा हमने एम के एलिमेंट्स में। तो यहीं पे हम कंडीशन लिखेंगे फॉर ऑल या फॉर एवरी एक्स किस में बिलोंग करते हैं, सारे एक्स किस में बिलोंग करेंगे एम में, एक्स के सारे एलिमेंट्स एम के इंक्लूडिंगली रिलेटेड है बिलोंग से। तो हम इसी को और डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग सुप्रीमम, क्योंकि जो नॉर्म की कंडीशन आती है लेस देन आर इक्वल में उसको हम नॉर्म के अकॉर्डिंग, यदि कोई फंक्शन लीनियर स्पेस में हम जब करते हैं सब स्पेस के लिए तो हम क्या करते हैं उसको सुप्रीमम अकॉर्डिंग करेंगे या नॉर्म के अकॉर्डिंग। तो इसी को और डिफरेंट टाइप से भी आप यूज कर सकते हो सुप्रीमम के अकॉर्डिंग यदि करना चाहते हैं आप, तो इसको इस प्रकार और डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एफ किसके इक्वल होगा सुप्रीमम, हम इसका अकॉर्डिंग करेंगे एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम। यहाँ पे एफ भी हमारे लिए फंक्शन ही है, दोनों बोथ क्या है फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, तो जो सुप्रीमम अकॉर्डिंग होगा वो क्या होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, सच दैट जहां पे हमको एक्स की वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा किसमें बिलोंग करती है और कितनी वैल्यूज होंगी पुट ऑन। तो जो एक्स की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू लेते हैं हम वन, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू सपोजिंग कर ली पुट वन, यदि हम करें यहाँ पर तो हमारे लिए फंक्शन फिर भी नॉर्म ऑफ एफ आएगा, यानी कि यदि ये फंक्शन है हम नॉर्म में ले या मॉड में, तो मॉड ऑफ यदि एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं वन मीन्स मॉड ऑफ एफ, तो यही कंडीशन हम अकॉर्डिंगली है कि यदि एक्स और इसको डिफरेंट करे तो क्या कंडीशन आना चाहिए, नॉर्म ऑफ एफ या मॉड ऑफ एफ की कंडीशन बिलोंग करेंगी। तो वही हमने प्रूफ कर दी कि एक्स भी एम में बिलोंग कर रहा है और यही है सेम कंडीशन है, तो हम इसको दे देते स्टार इक्वेशन और इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर वन। तो स्टार और वन इक्वेशन हमारी प्रिपेयर होगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं एक सब लीनियर का फंक्शनल डिफाइन करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे सपोज करा है कि लेट पी इज अ सब लीनियर फंक्शनल डिफाइंड होना है, फिर से हम अगेन क्या करते हैं एन के अंदर एक सब लीनियर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब जो हमारा अकॉर्डिंगली यहाँ फंक्शन डिफाइंड होगा वो क्या होगा पी होगा। तो हमने सपोज कर लिया पी क्या है सब लीनियर, तो जब सब लीनियर फंक्शन है तो उसको अकॉर्डिंगली बीहो किस टाइप से करना चाहिए, अकॉर्डिंगली वो सर्वाइव करेगा एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो हमने किस प्रकार बनाया नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, अब हम क्या करते हैं जो एफ ऑफ एक्स है उसी के अकॉर्डिंग हमने पी सपोज करा, तो जो पी एलिमेंट है वो एफ और एक्स के अकॉर्डिंग है तो यही सेट होगा। तो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के, जहां पर एक्स अब किस में बिलोंग करेंगे एन में, एक्स अब अपनी पोजिशन चेंज कर चुका है क्योंकि यदि हमने पी के एलिमेंट लिए हैं तो वो एन के अकॉर्डिंग होंगे सब लीनियर, और एन के लिए हमने यदि जो एलिमेंट लिए एम के लिए लिए थे वो एक्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो इसको इक्वेशन हमने वन दे दिया और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर टू। तो जो फर्स्ट और सेकंड बनी हम इसका कंपेरिजन करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम इसके लिए बोथ कंपेरिजन में इक्वेशन हमें इंक्लूडेड मिलेंगी। तो जब हमने फर्स्ट और सेकंड का कंपेरिजन करा तो हमें मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इस लेस देन आर इक्वल पी ऑफ एक्स के मिला, क्योंकि हम पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो इक्वेशन हमने सेकंड दी वो डिफरेंट टाइप से दी कि नॉर्म ऑफ एफ और नॉर्म ऑफ एक्स डिफरेंट है, और जो मॉड ऑफ एक्स के लिए हम या तो सुप्रीमम बना रहे थे या नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स की कंडीशन को शो कर रहे थे। तो जो नॉर्म ऑफ एफ के लिए हमने कंडीशन डिफाइन की थी एफ ऑफ एक्स के लिए, तो जो दोनों कंडीशन वो होते हैं हमने उसको दे दी कंपेरिजन करके, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल आ गए पी ऑफ एक्स के, जहां पर सारे एक्स एम के लिए बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि जो हम डिफरेंट कैटेगरी से एक्स को सेम कंडीशन में लाया तो एक्स सारे एम में आ गए, तो यही कंडीशन होगी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं क्योंकि हमने एक न्यू एलिमेंट्स को इंक्लूड करा है और फंक्शन एफ ही हमारा, तो हम एक थ्योरम को अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसी को स्टेटमेंट को रियल करेंगे। तो जो हमारी पुट ऑन होंगी रियल स्टेटमेंट्स को, तो हम उस थ्योरम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। तो जो हमारा स्टेटमेंट रिलेटेड है वो इसी प्रकार है कि एक्स और एम के एलिमेंट्स एम में और एन में किस प्रकार डिफाइन होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट देखेंगे, तो जो हमें अकॉर्डिंगली थ्योरम स्टेटमेंट यूज करना है इस प्रकार है, इफ एन इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस, जो हमको अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में ही दिया है एन क्या है नॉर्म लीनियर स्पेस और एम सेम क्या है
लीनियर सब स्पेस एन का, यही दिया हमें थ्योरम का स्टेटमेंट, आहन बनाक थ्योरम जो हम प्रूव कर रहे हैं उसी का सेम स्टेटमेंट है। और लेकिन यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिया था वो एफ था हमारा आहन बनाक थ्योरम के लिए, पर यहाँ पे हमने पी को सब लीनियर फंक्शनल लिया है जो किस पे डिफाइन हो रहा है, एन पे, बट हमने फंक्शन यहाँ पे एफ डिफाइन करा है, इतना सा चेंज है ये थ्योरम के स्टेटमेंट। इसीलिए हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं ताकि हमारे लिए जो फंक्शन है वो और इजी हो जाए डिफाइन करना सेट के अकॉर्डिंग। एंड एफ इज अ लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन एम, अगेन हम क्या कर रहे हैं एफ को ही ले रहे हैं फंक्शन डिफाइंड ऑन एम के लिए, बट जो हमारे थ्योरम का रियल स्टेटमेंट है हम उसमें एफ को सब लीनियर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वो भी एफ जीरो के लिए। तो जहां एफ है वहां पे एफ जीरो हमने पुट ऑन करा, जहां पी है वहां एफ करा है, तो दोनों में कंडीशन चेंज हो गई। तो यदि वो डिफाइन हो रहा तो इसी प्रकार होगा, क्योंकि हमने जो नॉर्म ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स लिया वो एफ ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग प्रूव करना है, बट यहाँ पे जो पी है वो कैसा है, सब लीनियर है, तो जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए ये लेस देन आर इक्वल होगा पी ऑफ एक्स के, क्योंकि पी सब लीनियर फंक्शन है और ये भी किसका है, सब स्पेस के अकॉर्डिंगली इंक्लूडेड अंडर है। तो यहां से देन कंडीशन प्रूव स्टार्ट हो रहा है कि देयर इज अ लीनियर फंक्शनल जी। अब यहाँ पे जी फंक्शन है, बट हमने अभी जो थ्योरम प्रूव करे आहन बनाक सारे फंक्शन एफ के लिए प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें जी है जो डिफाइन हो रहा है किस पर, एन पे। तो ये कंडीशन इस प्रकार बनेगी, सच दैट जी इज द एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब यहाँ पे हम जी को एक्सटेंशन बता रहे हैं एफ का, लेकिन जो हमारी थ्योरम है रियल आहन बनाक थ्योरम, हम उस एफ को एक्सटेंडेड फंक्शन बना रहे हैं एफ जीरो के लिए, जो एक्सटेंड हो रहा है टेंस्ड हो रहा है किस पर, एफ जीरो पे। तो ये चेंज यहाँ पे और हो गया, तो सेम हमारा थ्योरम, ये थ्योरम जो है इसी के अकॉर्डिंगली हमें मिल रही आहन बनाक थ्योरम, यानी कि यदि हमें आहन बनाक थ्योरम प्रूव करना है तो इसी के सेम अकॉर्डिंगली जो मैच कर रहा है हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट वो हमको ये यूज करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन इस प्रकार बनेगी कि जी ऑफ एक्स किसके लिए देन आर इक्वल होगा पी ऑफ एक्स के, जो कंडीशन रियल है। तो जो है कंडीशन वो होंगी जहां पे सारे एलिमेंट एक्स के बिलोंग करेंगे एन में, यहाँ पर भी एक्स के करेंगे एन में। तो जो हमने थ्योरम का भी स्टेटमेंट यूज कर लिया है, इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को पुट करेंगे यानी कि फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब जो हमने थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख लिया, तब उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो वी हैव देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल एफ जीरो, अब हमें फंक्शनल एफ जीरो हमारे पास अकॉर्डिंगली, बट हमने जो अभी स्टेटमेंट रीड करा उसमें जी फंक्शन था, ऑन एन सच दैट एफ जीरो इज द एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड एफ जीरो ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल पी ऑफ एक्स। ये कंडीशन हमने इसको क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड बना लेते, क्योंकि हमने क्या करा, जो फंक्शन हमें यहाँ एफ जीरो की जगह पे पी फंक्शन डिफाइन हो रहा था, जो कि किस पे टेंस हो रहा है, एफ जीरो एफ पे, और इसी प्रकार पी टेंस हो रहा था जी पे जो हमने फंक्शन रीड करा, तो हम ये कंडीशन अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन दे देते हैं थर्ड, जहां पर एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एन में। तो हम जानते हैं यहाँ से नाउ सिंस एफ जीरो इज द फंक्शनल, हम जानते हैं कि एफ जीरो क्या हमारे लिए फंक्शनल है, तो देयर फॉर इट इज बाउंडेड, क्योंकि फंक्शनल यदि कोई एलिमेंट है तो बाउंडेड है, क्योंकि यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उस लेस देन आर इक्वल एम के, मतलब जो लीनियर सब स्पेस है और फंक्शन यदि है तो ये कहलाता है बाउंडेड, तो ये बाउंडेड की कंडीशन होती है, तो यहीं से ये बाउंडेड है। अब क्या करते हैं, नाउ वी सी दैट, अब हम यहाँ से एक कंडीशन अकॉर्डिंगली सेट करते हैं कि यदि फंक्शनल बाउंडेड है तो किस प्रकार होगा। तो हमने बाउंडेड की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या नजर आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है इस थ्योरम के अंडरस्टूड कि जो एफ ऑफ जीरो एक्स है, यदि हम नेगेटिव वैल्यूज उसको पुट करें, माइनस एफ जीरो ऑफ एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ जीरो ऑफ एक्स के उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस में यदि है तो फंक्शन का हम वैल्यूज क्या करते हैं, एक्स में पुट ऑन करते हैं माइनस। तो सेम कंडीशन, हाँ बिल्कुल हम इस प्रकार इसको पुट ऑन कर सकते हैं। अब यदि इसी प्रकार कर सकते हैं तो जो हमने यूज करी हमारे लिए थ्योरम जो थर्ड हमने इसको स्टार्टिंग दिया है कि यदि एफ जीरो ऑफ एक्स है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल पी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंगली हमने सेट करा है, तो यदि वो लेस देन आर इक्वल पी ऑफ एक्स के तो ये कंडीशन बिल्कुल हो सकती है यस। तो यदि माइनस है तो एक्स के लिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली इसको माइनस सेट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारी कंडीशन। अब यदि ये कंडीशन है तो हम यहाँ से जो हमारा इक्वेशन सेकंड बनी है पी के लिए अकॉर्डिंग जो हमने बनाई है, तो इसी प्रकार है, यदि एफ के अकॉर्डिंग हमने नॉर्म ऑफ एफ में बनाई है तो माइनस के लिए हम सेम कंडीशन करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हम पुट करते हैं, बट हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स यूज करें, क्योंकि जो फंक्शन हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए ले रहे हैं, तो यदि नेगेटिव वैल्यूज के लिए है तो माइनस एफ जीरो एक्स किसके लेस देन आर इक्वल हो गया, ये हो गया नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, और ये कंडीशन जो होगी वो लेस देन आर इक्वल किसके होगी, पी ऑफ एक्स के। तो हम इसको इस प्रकार, लेकिन एक्स किसके लिए, लीनियर स्पेस एन के अंदर बिलोंग करे, तो हम इसको इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं। अब जो हमने थर्ड बनाई थी कंडीशन और जो फोर्थ हमारी कंडीशन, वो हमको इस टाइप से हमको दोनों में कंपेरिजन करेंगे, तो थर्ड और फोर्थ हमको इस प्रकार मिलेगी कि जो नॉर्म ऑफ एफ जीरो एक्स किसके लेस देन आर इक्वल है, पी ऑफ एक्स के। यदि पी ऑफ एक्स के लेस देन आर इक्वल है तो हम जानते हैं पी ऑफ एक्स किसका फंक्शन है, एफ का ही, और वो एफ पे टेंस हो रहा है, तो यहाँ ये कंडीशन बन जाएगी कि नॉर्म ऑफ एफ किसके और नॉर्म ऑफ एक्स इसके अकॉर्डिंग हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि टेंस इसी पे हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं कि नॉर्म, यदि एफ ऑफ एक्स हमारे लिए कंडीशन है तो एफ ऑफ एक्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं नॉर्मल में। तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो होगा नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स,
तो यही कंडीशन हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये एफ जीरो एक्स के लिए भी क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम एफ जीरो को सेपरेट करेंगे और एक्स को भी हम सेपरेट करेंगे। तो एफ जीरो को सेपरेट करेंगे तो इस प्रकार, और एक्स को सेपरेट करेंगे तो इस प्रकार, दोनों लेस देन आर इक्वल हो गए नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ से ट्रू हो रही है कि नॉर्म ऑफ एफ, यदि हम एक्स को कंडीशन इंक्लूड करें तो हमें नॉर्म ऑफ एफ किसके इक्वल, एफ जीरो, या नॉर्म ऑफ एफ जीरो हमें नॉर्म ऑफ एफ के इक्वल मिलेगा। तो हम ये कंडीशन तो हमने अकॉर्डिंगली ट्रू कर दी, बट जो एक्सटेंडेड फंक्शन है हम उसको वैल्यूज पुट ऑन नहीं करिए। तो हम एक्सटेंडेड वैल्यूज की कंडीशन के लिए जो रिक्वायर रिजल्ट है उसको शो करेंगे। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ दे देते हैं जो हमें अकॉर्डिंगली यूजिंग होगी। तो हमारी इक्वेशन फिफ्थ हो गई। अब हम जो हमें रियल इंक्लूड करना है एक्सटेंडेड वैल्यूज के लिए वो प्रूफ करते हैं। तो अभी हमारे थ्योरम का रियल कम्प्लीटली ट्रूली स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हुआ है, तो जो शो करना है रिक्वायर वो इस तरीके से करना है कि जो एक्सटेंडेड वैल्यूज हो वो कंसिडर हो। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, नाउ टू शो द रिक्वायर रिजल्ट, जो हमें रिक्वायर रिजल्ट शो करना है वो इस प्रकार होगा। वी विल प्रूव दैट, इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि नॉर्म ऑफ एफ जीरो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एफ के, क्योंकि ये जो एक्सटेंडेड फंक्शन है इसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि एफ जो है एफ जीरो पे टेंस्ड है। तो यही अकॉर्डिंगली कंडीशन हमें ट्रू करना है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंसिडर करते हैं सुप्रीमम्स को, जो वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो लीनियर स्पेस है उनके लिए हमें सुप्रीमम डिफाइन करना है। तो हम नॉर्म ऑफ एफ जीरो को करते हैं कंसीडर सुप्रीमम, मॉड ऑफ एफ जीरो एक्स कंसीडर करते हैं कि फंक्शन एफ जीरो के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेते हैं, एक फंक्शन को सपोज कर लेते हैं। तो जो फंक्शन हमारे लिए एक्स सपोज हो रहा है वो इसी प्रकार डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम एक्स की वैल्यू फिर से पुट ऑन वन करें तो एफ जीरो ही मिलेगा, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी सुप्रीमम के लिए, जहां पर सारे एक्स के एलिमेंट्स एन में बिलोंग करते हैं। तो सेम कंडीशन यदि नॉर्म ऑफ एफ जीरो के लिए ग्रेटर देन आर इक्वल में ले सुप्रीमम, तो क्या वो सेम कंडीशन देगा? यस, अभी हमने इक्वल के लिए लिया, अब हम ग्रेटर देन आर इक्वल के लिए, क्योंकि यदि फंक्शन हम एक्स में डिफाइन करें तो भी वो कैसा आएगा, वन के ही अकॉर्डिंग आएगा, और यदि हम बिना एक्स के करें तो भी वो डिफाइन सुप्रीमम में होगा। और इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब यहाँ से हम क्या बताए, हमें इस थ्योरम के स्टेटमेंट में ही गिवन दैट कंडीशन है कि एम क्या है हमारे लिए एक लीनियर सब स्पेस है, किसके लिए, एन जो हमारे लिए नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो एम लीनियर सब स्पेस है नॉर्म लीनियर स्पेस एन का। एन यहाँ पे इंक्लूडिंगली हमारे लिए क्या है, एन नॉर्म लीनियर स्पेस रहेगा हमेशा, और एम हमेशा रहेगा हमारे लिए लीनियर सब स्पेस। अब हम ये भी जानते हैं कि एफ जीरो क्या है, एक्सटेंशन है किसका, एन के ऊपर, पर एफ जीरो एक्सटेंशन है किसका, एफ का, मतलब एफ पे टेंस्ट हो रहा है एफ जीरो, एफ टेंस्ट हो रहा है एफ जीरो पे। तो क्या हम लिख सकते हैं एफ जीरो ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल, क्योंकि फंक्शन टेंस्ट हो रहे हैं एक दूसरे पर। तो यदि फंक्शन है हम इसको विदाउट एफ जीरो इक्वल एफ भी लिख सकते हैं, और विद फंक्शन लिखेंगे एक्स के, तो ये एफ जीरो ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, जहां पर एक्स सारे एम में बिलोंग करेंगे क्योंकि एक्सटेंडेड फंक्शन है। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको चूज करा फंक्शन। तो जो हमारा फंक्शन है इक्वेशन नंबर सिक्स, उसको किसके इस प्रकार लिखेंगे कि जो एफ जीरो एक्स है वो टेंस हो रहा है एफ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ जीरो ऑफ एक्स के लिए अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स पुट ऑन करेंगे। तो यही हमारी इक्वेशन सिक्स बिकम्स, यानी कि अब जो न्यू इक्वेशन बनेंगे हमारी, देयर फॉर इक्वेशन सिक्स बिकम्स किस प्रकार बनेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि एफ जो है फंक्शनल किस प्रकार डिफाइंड है, एन पे डिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन सारे लीनियर नॉन लीनियर स्पेस के अंदर डिफाइंड। तो जो हमारी इक्वेशन सिक्स बिकम्स बनेगी तो बनेगी इस प्रकार, नॉर्म ऑफ एफ जीरो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल होगा सुप्रीमम, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमें जो कंडीशन बनाई थी इक्वेशन नंबर सिक्स में, वहां पर हमने एफ जीरो ऑफ एक्स को यूज करा था मॉड में, अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स का यूज कर लेते हैं, जहां पे एक्स क्या रहेगा सेम, एक्स की वैल्यूज कितनी रहेंगी वन, और एक्स किस में बिलोंग करेगा एन में। तो ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी कि नॉर्म ऑफ एफ जीरो किसके ग्रेटर देन आर इक्वल है नॉर्म ऑफ एफ, किसको दे देते हम इक्वेशन नंबर सेवन। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन सेवन बनी है इसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर फिफ्थ से। तो जो हम कंपैरिजन करेंगे फिफ्थ और सेवन्थ का, तो हमें इक्वेशन इस प्रकार बनेंगी। तो जो हमारी इक्वेशन फिफ्थ थी इस प्रकार थी कि नॉर्म ऑफ एफ जीरो किसके इक्वल था, नॉर्म ऑफ एफ के। ये हमें प्रूफ करना रियली था, क्योंकि जो हमारा प्रूफ करना था वो हमें इस प्रकार करना था कि जो एक्सटेंडेड वैल्यू हो वो भी हमें बताना था, और इक्वली भी। तो फिफ्थ और सेवन्थ से हम इस प्रकार करेंगे कि जो नॉर्म ऑफ एफ जीरो किसके इक्वल होंगे, नॉर्म ऑफ एफ के। ये एक्सटेंडेड वैल्यूज फंक्शन है, बट जो इक्वेशन रियल होंगी वो नॉर्म ऑफ एफ जीरो किसके इक्वल होंगी, नॉर्म ऑफ एफ के। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम क्या होती है, प्रूफ होती है। तो जो कंडीशन थी हमने नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए आन बनाक थ्योरम के अकॉर्डिंग वो प्रूफ कर दी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मोर वीडियोस के लिए ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।